सो हैलो पीपल, दिस इज चैनल सी टी वी। और जो है इस वीडियो में हम इंटरनल ऑडिट को जो है फटाफट तरीके से रिवाइज करते हैं। तो अगर हम देखें तो इंटरनल ऑडिटर की अगर हम बात करें तो किनको अप्लीकेबल होता है, तो सच क्लास और क्लास ऑफ कंपनीज में बता के रखा है कि लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी, और इनफैक्ट प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड कंपनी के साथ प्राइवेट कंपनी को पे भी लगता है। अगर अनलिस्टेड कंपनी में देखें 25, 50, 100, 200, 25, 50, 100, 200, ठीक है, या तो अपन PBT करके देख सकते हैं, ठीक है। तो पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है, पर इसको ये सही तरीका ये है कि 25, 50, 100, 200 वो बेटर है कि आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट जो है वो 25 करोड़ से ज़्यादा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ या उससे ज़्यादा, 25 करोड़ से ज़्यादा, 25 करोड़ या उससे ज़्यादा, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 हो गया, ठीक है। 50 क्या है? पेड अप कैपिटल। तो डी पी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा, टर्नओवर, ठीक है, और बोरोइंग्स। अच्छा, DPBT हो गया, DPBT। इधर बोरोइंग्स में सिंपल से बात है, बोरोइंग्स में डिवेंचर नहीं आएगा, ठीक है, DDL नहीं बोला है। बोरोइंग्स में नॉर्मली नॉर्मल चीज़ आती है लोन्स, ठीक है। तो अगर हमने बोरोइंग करी है बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 100 करोड़ और मोर, ठीक है, तो DPBT, ठीक है। तो 5 करोड़, 25 करोड़, 50, 100, 200, 25 करोड़ या उससे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, 50 है पेड अप कैपिटल, 100 है टर्नओवर, वो 200 है बोरोइंग, वो प्राइवेट कंपनी में 100-200 है। तो जैसे कि BT हो गया, अगर लोन्स एंड बोरोइंग जो है 100 करोड़ या से ज़्यादा, और T से है जो टर्नओवर है, ठीक है, तो लोन्स एंड बोरोइंग 100 करोड़ या से ज़्यादा, बैंक और PFI से है, ठीक है, सिर्फ बैंक और PFI से लोन जब देखा जाता है। अब इंटरनल ऑडिटर कौन बनता है? तो वो तो या तो CA बन सकता है, CWA बन सकता है, अदर प्रोफेशनल बन सकता है, ठीक है, और इनफैक्ट वो एम्प्लॉय भी हो सकता है। मैनर ऑफ कंडक्टिंग इंटरनल ऑडिट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के थ्रू प्रिस्क्राइब करेंगे मैनर एंड इंटरवल, ठीक है, इंटरवल कि किस तरीके से और कितने फ्रीक्वेंसी में ये इंटरनल ऑडिट होने का, शैल बी कंडक्टेड एंड रिपोर्टेड टू द बोर्ड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के थ्रू प्रिस्क्राइब करेगा मैनर एंड द इंटरवल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के थ्रू प्रिस्क्राइब करेगा मैनर और द इंटरवल इन विच द इंटरनल ऑडिट कैन बी कंडक्टेड। तो एक मैनर बताएगा और एक इंटरवल्स बताएंगे कि भैया इतने इतने इंटरवल में करने का। अकॉर्डिंगली ऑडिट कमिटी ऑफ द कंपनी इन कंसल्टेशन विद इंटरनल ऑडिटर फॉर्मुलेट द स्कोप, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बताया? मैनर बताया और फ्रीक्वेंसी बता दी। एंड अकॉर्डिंगली जो है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट मैनर और इंटरवल बता दिया, और फिर ऑडिट कमिटी जो है या बोर्ड जो है वो इंटरनल ऑडिटर से कंसल्ट करके जो है इसको फंक्शनिंग पीरियोडिसिटी मेथड डिसाइड करेगा। अब अदर प्रोविजंस की रिस्पेक्ट में अगर कुछ हम बात करें, तो रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल ऑडिटर एंड एक्सटर्नल ऑडिटर। अब रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन आर डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट। जब इंटरनल ऑडिट फंक्शन के जो रोल है वो मैनेजमेंट डिटरमाइन करता है और TCWG डिटरमाइन करता है, ये हो गया रोल। और ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड द एक्सटर्नल ऑडिटर आर डिफरेंट, ठीक है। रोल की बात करें तो कौन करता है? मैनेजमेंट डिटरमाइन करता है, TCWG डिटरमाइन करता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर डिफरेंट है। सम ऑफ द वेज इंटरनल ऑडिटर एंड एक्सटर्नल ऑडिटर अचीव द रिप्रेजेंटेटिव रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्टिव में भी सिमिलर। इन रिस्पेक्टिव ऑफ द डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, सच फंक्शन इज नॉट इंडिपेंडेंट। सिंपल सी बात है कि ये फंक्शन को इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए एक्सटर्नल ऑडिटर चाहिए टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तभी तो, अदरवाइज इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट नहीं करता फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। Therefore, एक्सटर्नल ऑडिटर की तो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर एन ऑडिट ऑफ ओपिनियन, कि जैसे कि हमने ओपिनियन दिया है तो एक्सटर्नल ऑडिटर की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट रिड्यूस बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर्स यूज ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। अगर तुम इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ कर रहे हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होती, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही रहती है, ठीक है। अब बात करें कि रिव्यू ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन बाय द स्टैचुटरी ऑडिटर, तो इधर अगर हम बात करें रिव्यू ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन बाय स्टैचुटरी ऑडिटर, तो ये ऑब्लिगेटरी है स्टैचुटरी ऑडिटर का कि एग्जामिन करना स्कोप इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क कैरीड आउट बाय इंटरनल ऑडिटर, कि भाई तेरा स्कोप क्या है, इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क, ठीक है। तो स्कोप ऑफ वर्क है, तुम्हारा स्कोप क्या है, तुम्हारी इफेक्टिवनेस क्या है ऑफ द वर्क, ठीक है, इफेक्टिवनेस देख ली। अब जो है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरनल ऑडिट स्टाफ सी क्वालिफिकेशन पावर, मतलब एक तरीके से स्टैचुटरी ऑडिटर उसके ही काम को देख रहा है कि भैया आपके स्कोप क्या है, इफेक्टिवनेस चेक करेगा, अच्छा स्ट्रेंथ देखेगा, क्वालिफिकेशन देखेगा, ठीक है। प्रोसीजर जो आपने अडॉप्ट करके रखे हैं, प्रोसीजर जो अडॉप्ट करके रखे हैं वो देखेगा, आपके ऑडिट प्रोग्राम, आपके ऑडिट प्लान्स, आपके ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है।
अब द एक्सटेंट ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जिबिट बाय द इंटरनल ऑडिटर इन द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज एंड हिज स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. इनका जो इंडिपेंडेंस, किस तरीके से इंडिपेंडेंस को उसने शो करा है, एक्सटेंस ऑफ इंडिपेंडेंस जो है इंटरनल ऑडिट ने शो करा है इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, और उसका स्टेटस ऑर्गेनाइजेशन में रेलेवेंट है. ठीक है, इन डिटरमाइंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट इन अ लार्ज विटनेस इट हैज बीन इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज दैट फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड दोज ऑफ स्टेट्यूटरी ऑडिटर कुड बी इंटीग्रेटेड. लार्ज बिजनेस में ये इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज हो गया है कि इंटरनल ऑडिटर के फंक्शन और स्टेट्यूटरी ऑडिटर के फंक्शन जो है इंटीग्रेटेड है. ठीक है, इन अ लार्ज बिजनेस जो है इट हैज बीन इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज दैट इंटरनल ऑडिटर फंक्शन और स्टेट्यूटरी ऑडिटर के फंक्शन इंटीग्रेटेड होना चाहिए. ठीक है, अगर हम फटाफट देखें तो हमने इधर एप्लीकेबिलिटी के रिस्पेक्ट में बात करी, इंटरनल ऑडिटर कौन बनता है इसके बारे में बात करी, सेंट्रल गवर्नमेंट बाकायदा मैनर और इंटरवल बताएगा, फिर जो है ऑडिट कमेटी. ठीक है, ऑडिट कमेटी जो है इन जो है कंसल्ट करके इंटरनल ऑडिटर के साथ फॉर्मुलेट करेगा स्कोप, फंक्शनिंग, पीरियोडिसिटी सब के बारे में. अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर, तो इंटरनल ऑडिटर का रोल कौन डिटरमाइन करता है, मैनेजमेंट डिटरमाइन करता है. तो क्या फ्री होंगे क्या अपनी रिस्पॉन्सि, मतलब कि अगर वो देखा जाए तो वो कोई इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते इसलिए एक्सटर्नल ऑडिटर की मदद लगती है. ठीक है, और जो है फंक्शन इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं. ठीक है, और जो है ऑब्जेक्टिव भी जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर आर डिफरेंट, ऑब्जेक्टिव्स भी डिफरेंट है ये हमको समझना पड़ेगा. अगर एक्सटर्नल ऑडिटर की तो फिर भी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होती है. फिर रही बात इंटरनल ऑडिटर फंक्शन रिव्यू अगर करता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो रिव्यू कर सकता है, जो अपन ने बात करी थी कि स्कोप, इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क और स्ट्रेंथ, क्वालिफिकेशंस, प्रोसीजर जो अडॉप्टेड है, ऑडिट प्रोग्राम्स. ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंट ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिबिट बाय इंटरनल ऑडिटर का स्टेटस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मैटर करता है, और लार्ज बिजनेस में तो इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज ही करते हैं कि इंटरनल ऑडिटर फंक्शन और स्टैट्यूटरी ऑडिटर के फंक्शन को जो है इंटीग्रेट करा जाए. तो इस तरीके से जो हमने इंटरनल ऑडिट के रिस्पेक्ट में जो है चीज़ें समझी है, फटाफट इसका जो है हम लिख लेते हैं छोटी मोटी चीज़ें. तो ठीक है, आउटस्टैंडिंग अपन ने जो बात करी थी लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी में, और प्राइवेट कंपनी में भी हमने जो है बात करी थी कि प्राइवेट कंपनी में बीटी होता है. तो आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग बैंक और एनबीएफसी से होता है. ठीक है, ये तो हमने बात करी ली थी. और लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी पर होता है. रिलेशनशिप की बात करें, ठीक है, तो ये सारी बातें जो है करने के बाद अब हम जो है ऐसे 610 की तरफ बढ़ते हैं. राइट, अब ऐसे 610, ठीक है, तो अब जो है हम ऐसे 610 को समझते हैं. राइट, हम ऐसे 610 को समझते हैं. अगर अब हम बात करें ऐसे 610 की तो अब समझो. ठीक है, 610 के रिस्पेक्ट में सबसे पहले हमको इंटरनल ऑडिट समझना पड़ेगा, और अपन इंटरनल ऑडिट समझ चुके हैं सेक्शन 138 के रिस्पेक्ट में. राइट, तो अगर हम बात करें तो लिस्टेड कंपनी है और अनलिस्टेड कंपनी है. अनलिस्टेड कंपनी में अगर हम बात करें, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी में डीपीबीटी, ठीक है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आप क्या भी देखो, डिपॉजिट्स, आउटस्टैंडिंग, पेड अप कैपिटल, बोरिंग जो बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, टर्नओवर, तो डीपीबीटी 25, 50, 100, 200. ठीक है, और प्राइवेट कंपनी में 100, 200 है. ठीक है, ये अपन ने पढ़ा. हु कैन बी इंटरनल ऑडिटर, अगर हम बात करें हु कैन बी इंटरनल ऑडिटर, तो जो है सीए इन प्रैक्टिस हो या नहीं हो, प्रोफेशन में हो या नहीं हो, एम्प्लॉई हो, थर्ड पर्सन हो सकता है. बोर्ड डिसाइड करता है, डिसाइड बाय बोर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर टू कंडक्ट एक्टिविटीज एंड फंक्शंस. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मैनर बता के रखा है, इंटरवल बता के रखा है, एंड अकॉर्डिंगली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैनर और इंटरवल बता के रखा है, और जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमेटी जो है इंटरनल ऑडिटर के साथ कंसल्ट करके वो डिसाइड कर लेगा स्कोप, ऑब्जेक्टिव, नेचर, पीरियड, मेथोडोलॉजी, ये सब की बात जो है कर लेगा. तो ये सब ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ें थी. रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल ऑडिटर एंड एक्सटर्नल ऑडिटर भी अपन ने देख लिया है कि इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर में रोल जो है डिटरमाइंड बाय मैनेजमेंट और TCWG इधर करते हैं पर इधर नहीं करते हैं. ऑब्जेक्टिव तो इन दोनों का टोटली डिफरेंट है, इंडिपेंडेंसी कम है, इधर इंडिपेंडेंसी ज़्यादा है. तो अगर हम बात करें तो ROI रिलेशनशिप में हम बोल सकते हैं ROI. राइट, ठीक है, अब डिस्पाइट ऑफ यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट गेट रिड्यूस. भले ही मैं इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर रिव्यू कर सकता है वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी रिड्यूस नहीं होती इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट ओपिनियन. ऑडिट ओपिनियन में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होती. ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटर की तो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फिर कुछ बात है
देखो टच ऑफ एसएच 610 की क्या है, रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो कुछ ऐसे 610 का ये टच है कि इट इज़ ऑब्लिगेटरी टू रिव्यू, ये ऑब्लिगेटरी है टू रिव्यू द वर्क स्कोप एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। ये ऑब्लिगेटरी है कि हमको रिव्यू करना पड़ रहा है वर्क स्कोप एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल ऑडिटर फंक्शन इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटर एग्जामिन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इफेक्टिवनेस इंडिपेंडेंसी स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हमने बातें कर ही ली है, ठीक है। तो ये सब इसी के रिस्पेक्ट में बातें थी। ऐसे 610 तो अभी चालू ही नहीं हुआ है। अगर हम बात करें, ठीक है, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में मीनिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, तो अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन में, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं ये, तो ये बोला है कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। और अब जो है सिस्टमैटिक तरीके से इसका इंटरनल ऑडिट का हम रिविजन करेंगे, ठीक है। तो क्या बोला है, मीनिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, तो इट्स अ फंक्शन ऑफ एन एंटिटी, ये एंटिटी का फंक्शन है जो परफॉर्म करता है, ये एंटिटी का ही फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एन एंटिटी जो परफॉर्म करता है एश्योरेंस एंड कंसल्टेंसी एक्टिविटी, जो परफॉर्म करता है एश्योरेंस एंड कंसल्टेंसी एक्टिविटी, ठीक है। तो परफॉर्म क्या करता है, एश्योरेंस एंड कंसल्टेंसी एक्टिविटी डिजाइन टू इवेल्युएट एंड इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस इज एंटिटी गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। मतलब कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो परफॉर्म करता है एक्टिविटीज़ और इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी गवर्नमेंट रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल में, ठीक है। तो डायरेक्टर ग्रिम द गवर्नमेंट रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। तो डायरेक्टर ग्रिम एक अच्छा ही जो है डायरेक्टर है, ठीक है। तो डायरेक्टर इंडस्ट्री वो बीड्स बनाते हैं। तो एक एंटिटी का ही फंक्शन है जो एश्योरेंस और जो है कंसल्टिंग एक्टिविटीज़, जो है एश्योरेंस और कंसल्टिंग एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो एंटिटी का फंक्शन है, तो एंटिटी का ही फंक्शन है जो एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी परफॉर्म करता है और इवेल्युएट करता है इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। अब वर्क टू बी रिव्यू बाय इंटरनल ऑडिटर, वर्क टू बी रिव्यूड बाय इंटरनल ऑडिटर, ओके, ठीक है। अगर हम बात करें कि इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिट के स्कोप में क्या है, ओके, इन द सेंस कि इंटरनल ऑडिट के स्कोप में क्या है, क्योंकि यार देखो सिंपल सी बात है, ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है, क्या एक्टिविटी, क्या स्कोप है कि गवर्नेंस, ठीक है, इफेक्टिव इम्प्रूव इफिशियंसी इन गवर्नेंस, गवर्नेंस जो है अच्छे से हो जाए, रिस्क मैनेजमेंट जो है इम्प्रूव हो जाए, और एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल। तो स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट में क्या कवर है, ये कैसी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव है कि एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए, गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव हो जाए, ठीक है। और जो है इंटरनल कंट्रोल के रिस्पेक्ट में कुछ एक्टिविटीज़ है, जैसे कि एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल, इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, हम इंटरनल कंट्रोल का इवेल्युएशन करते हैं, इंटरनल कंट्रोल का इवेल्युएशन, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन। देखो एंटिटी के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एंड फिनेंशियल, ठीक है, तो अगर हम देखें इवेल्युएट करना इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, एंटिटी के जो है ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन, ऑपरेशनल एक्टिविटी और फिनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करना, ऑब्वियस सी बात है इंटरनल कंट्रोल, तो इंटरनल कंट्रोल सिर्फ ये नहीं कि छोटे मोटे इंटरनल कंट्रोल, वो फिनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन को भी एग्जामिन करता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट को भी रिव्यू करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को, ऑपरेटिव इन्फॉर्मेशन को भी रिव्यू करता है, कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन भी देखता है। तो देखो दो चीज़ है बहुत ही जनरलाइज है कि इवेल्युएट करना इंटरनल कंट्रोल एंड लॉज एंड रेगुलेशन, पर साथ ही साथ एग्जामिनेशन करना फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये कुछ हद तक आपको ये देखना पड़ेगा कि अच्छा इंटरनल ऑडिट में ये भी कवर है क्या, कि ये फिनेंशियल स्टेटमेंट को भी इवेल्युएट कर लेता है, ये फिनेंशियल स्टेटमेंट को भी इवेल्युएट करता है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को भी रिव्यू करता है। तो ये सब चीज़ें हैं कि फिनेंशियल स्टेटमेंट को इवेल्युएट करना, एग्जामिन करना और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को जो है रिव्यू करना, ये सब चीज़ें हैं। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट और ऑपरेटिंग एक्टिविटी कुछ हद तक ये चीज़ है नहीं कि ये जो है इंटरनल ऑडिटर ये चीज़ भी करता है, मतलब अगर चार अगर हम देखें तो इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, दूसरा अगर हम देखें कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, तीसरा फिनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करता है, रिव्यू करता है और ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को करता है, ओके। अब क्या बोला है, एक्सटर्नल ऑडिटर भी तो क्या कर रहा है, एक्सटर्नल ऑडिटर प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, तो एक्सटर्नल ऑडिट की प्रोसीजर, एक्सटर्नल ऑडिट की प्रोसीजर, ठीक है,
विथ रिस्पेक्ट टू इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, कि उसको इंटरनल ऑडिट फंक्शन को इवेल्युएट करना है तो एक्सटर्नल ऑडिटर जो है अपना प्रोसीजर लगाएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा विथ रिस्पेक्ट टू इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ठीक है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर प्रोसीजर एक्सटेंडेड वाइल इवेल्युएटिंग द इंटरनल ऑडिटर फंक्शन। सबसे पहले डिटरमाइन द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क फॉर एक्सटर्नल ऑडिटर पर्पस। सिंपल सी बात है, वो एक्सटर्नल ऑडिटर वर्क ऑडिटर जो है इंटरनल ऑडिटर को इसलिए देख रहा है ताकि उसके वर्क को वो यूज़ कर सके, ठीक है। तो डिटरमाइन एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क फॉर देयर पर्पस, ठीक है। तो किस तरीके से मैं एडिक्वेसी को मैं इवेल्युएट कर सकता, मैं किस तरीके से एडिक्वेसी देख सकता हूँ ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क, यार इंटरनल ऑडिट वर्क के डिटरमाइन करो उसकी एडिक्वेसी कि ये मेरे काम में कैसे आ सकता है। तो डिटरमाइन एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क फॉर एक्सटर्नल ऑडिटर पर्पस, ठीक है। तो डिटरमाइन एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क फॉर एक्सटर्नल ऑडिटर पर्पस, तो डिटरमाइन करना है एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क, कि मैं इंटरनल ऑडिट वर्क की एडिक्वेसी देख रहा हूँ। तो एक्सटर्नल ऑडिटर को इंटरनल ऑडिटर से कोई लेना देना नहीं है, पर उसका काम उसके पर्टिकुलर एक्सटर्नल ऑडिटर के पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, तो एक बार इसकी एडिक्वेसी तो देख ले, और अगर एडिक्वेसी है तो फिर वो यूज़ कर लेगा ना अपने एक्सटर्नल ऑडिटर के वर्क के लिए, ठीक है। तो बाय इवेल्युएटिंग द ऑब्जेक्टिविटी, अब एडिक्वेसी में कैसे पता कर सकता हूँ, ठीक है एडिक्वेसी में कैसे पता कर सकता हूँ कि इसने काम जो है वो सही तरीके से किया है, यार इंटरनल ऑडिटर का काम में यूज़ कर सकता हूँ, इसने सही तरीके से किया एडिक्वेट। तो मुझे डिटरमाइन करनी है एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल ऑडिटर वर्क, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इवेल्युएट कर लेता हूँ उसकी ऑब्जेक्टिविटी, अच्छा उसकी कॉम्पिटेंसी और उसका अप्रोच, ठीक है तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्पिटेंसी एंड अप्रोच, ठीक है। तो इवेल्युएट करने के लिए मैं उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्पिटेंसी एंड अप्रोच देख सकता हूँ, और अगर इवेल्युएट कर रहा हूँ मैं ऑब्जेक्टिविटी कॉम्पिटेंसी एंड अप्रोच, अब ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, इसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं है, पर ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, परफॉर्म विदाउट बायसनेस, मैं देखता हूँ कि यार क्या वो विदाउट बायसनेस परफॉर्म कर रहा है क्या, ठीक है। कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंसी नॉलेज स्किल्स देखने का, सिस्टमैटिक अप्रोच, क्या वो सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच है, तो ये सब चीज़ें मैं इवेल्युएट करूँगा। तो वो काम ऑब्जेक्टिवली कर लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, कैपेबिलिटी को चेक करने के कुछ फैक्टर्स होते हैं। अगर हम बात करें कि वो सामने वाला कैपेबल है कि नहीं है, कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, तो उसके लिए भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, और जो इसका जो अप्रोच है वो सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो ये सब फैक्टर्स हमको देखने के, और ये जब इवेल्युएट करने के बाद जब मेरे को लग रहा है कि ये सेटिस्फैक्ट्री है या सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, और अगर ये मेरे को सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है तो डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर दैट कैन बी यूज। तो डिटरमाइन करना नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, कि डिटरमाइन करना कि किस नेचर और एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर जो हम यूज़ कर सकते हैं, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर वर्क दैट कैन बी यूज। अब देखो अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, अब इधर अगर हम समझे तो अगर हम क्वेश्चंस देखें, अभी तो हमने ज़्यादा स्टार्ट ही नहीं करा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि हम यही देखेंगे कि हम इवेल्युएट करेंगे COA ऑब्जेक्टिविटी कैपेबिलिटी एंड अप्रोच। साथ ही साथ जब हम अगर बात करें तो अगर वो सेटिस्फैक्ट्री है कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो उसकी अप्रोच अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो हम डिटरमाइन करेंगे नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर दैट कैन बी यूज। अगर सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है मेरे को सब, तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरे को तेरा काम सही लग रहा है तो फिर मैं डिटरमाइन करूँगा एक्सटेंट ऑफ वर्क, क्या जो अब मेरे काम के लिए मैं तेरा वर्क को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और जो है किसी किसी केस में मैं डायरेक्ट असिस्टेंस भी ले सकता हूँ, किसके लिए अलाउड है किसी के लिए अलाउड नहीं है, ठीक है। और ये जो आखिरी के पॉइंट है जिस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम वो क्वेश्चन पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। अब जो है फटाफट हम देखते हैं, ठीक है, इवेल्युएट, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी। मैं ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, पहले रेफर्स टू परफॉर्मेंस विदाउट बायसनेस, चेक करूँगा कि भैया मुझे एडिक्वेसी चेक करनी है, आपकी एडिक्वेसी चेक करनी है, डिटरमाइन करनी है एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क, क्या आप ऑब्जेक्टिवली काम कर रहे हो, आपका परफॉर्मिंग विदाउट बायसनेस होना चाहिए। फैक्टर्स सी बाय एक्सटर्नल ऑडिटर क्या देखेगा फैक्टर्स, अब देखो ये फैक्टर्स है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। अब फैक्टर्स दैट में अफेक्ट, तो यही है क्वेश्चन, फैक्टर्स दैट में अफेक्ट द एक्सटर्नल ऑडिटर इवेल्युएशन,
ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आया है, लिख लेते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन देखें, अगर हम क्वेश्चन देखें, ठीक है, तो यही है कि स्टेट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टू बी कंसिडर बाय एक्सटर्नल ऑडिटर इन द इवेल्युएशन। तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टू बी कंसिडर इन इवेल्युएशन, ये है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टू बी कंसिडर इन इवेल्युएशन। अगर हम बात करें तो ये अलग अलग क्वेश्चन में इसे फैक्टर्स बता के रखा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये है कि सी ए मिस्टर एक्स आर प्रैक्टिसिंग सी ए हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन इंटरनल ऑडिटर, ही कंडक्टेड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द इन्वेंट्री एंड हैंडेड ओवर रिपोर्ट ऑफ सच वेरिफिकेशन टू सी ए वाई स्टैचुटरी ऑडिटर फॉर हिज व्यू एंड रिपोर्टिंग। कैन सी ए मिस्टर वाई रिलाय ऑन सच रिपोर्ट? हाउ अ स्टैचुटरी ऑडिटर रिलाय ऑन सच रिपोर्ट? ठीक है, क्या क्या देखे, ठीक है, किस तरीके से वो रिलाय करे? तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसकी ऑब्जेक्टिविटी, आप उसकी कॉम्पिटेंसी, आप उसका अप्रोच देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ही है, ठीक है। और हाउ इवेल्युएशन, वही है, हाउ इवेल्युएशन ऑफ स्पेसिफिक वर्क कैन बी डन, क्वेश्चन तो यही है सब, ठीक है। तो किस तरीके से आपको इवेल्युएशन करना है, सिंपल सी बात है ये, हाउ यू इवेल्युएट द स्पेसिफिक वर्क, ठीक है। अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी में क्या क्या फैक्टर्स है जो हमको देखने पड़ेंगे, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। देखो ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस क्या है, देखो सिंपल सी बात है, इसको हम इसको ऐसे समझेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इंटरनल ऑडिट फंक्शन का स्टेटस क्या है। साथ ही साथ कन्फ्लिक्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस है कन्फ्लिक्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओवरसाइट फंक्शंस, तो ठीक है ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस क्या है, ओवरसाइट फंक्शंस ऑफ TCWG विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट डिसीजन रिलेटिंग टू इंटरनल ऑडिट फंक्शन। क्या इंटरनल ऑडिट फंक्शन में जो भी एम्प्लॉयमेंट डिसीजंस है कि कौन ऑडिट होना चाहिए, क्या TCWG का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटस, TCWG का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, वो सब मैटर करता है। अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस भी प्रॉपर नहीं है, तो ऐसे केस में जो है उसकी ऑब्जेक्टिविटी वो फुलफिल ही नहीं कर पा रहे। तीसरा कन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कन्फ्लिक्टिंग है। फंक्शंस, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स और रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन द इंटरनल ऑडिट फंक्शन बाय मैनेजमेंट और TCWG, तो जो है कंस्ट्रेंट और रिस्ट्रिक्शन जो है अगर मैनेजमेंट ने और TCWG ने रेस करे हैं, तो वो सब चीज़ें हैं इधर। मतलब कि अगर हम देखें तो अगर हम वापस रिक्रिएट करें तो ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिटर का स्टेटस क्या है, TCWG का कितना इन्वॉल्वमेंट है, क्या कन्फ्लिक्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है, क्या कन्फ्लिक्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कन्फ्लिक्टिंग है तो भैया कैसे, इंटरनल ऑडिटर को ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंट होने का है और अगर मैनेजमेंट उसको इंडिपेंडेंट होने ही नहीं दे रहा है तो कन्फ्लिक्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे आप अचीव करोगे अपना ऑब्जेक्टिव को। साथ ही साथ जो है क्या मैनेजमेंट ने कुछ कंस्ट्रेंट और रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं क्या, तो आप कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करोगे, ये सब चीज़ें हमको देखनी पड़ती, ठीक है, ये फैक्टर्स। दूसरा फैक्टर है कॉम्पिटेंसी लेवल में। कॉम्पिटेंसी लेवल में मैं क्या देख सकता हूँ, कॉम्पिटेंसी लेवल में हम ये देख सकते हैं हायरिंग, असाइनिंग, कि असाइनमेंट कुछ करना है, ट्रेनिंग, तो हायरिंग, ट्रेनिंग, असाइनिंग, इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, असाइनमेंट, तो हायरिंग, ट्रेनिंग, असाइनिंग इंटरनल ऑडिटर्स टू इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट, ठीक है। तो किस तरीके से आपको जो है हायरिंग पॉलिसीज, असाइनमेंट की पॉलिसीज, किस तरीके से असाइनमेंट करते हैं, ट्रेनिंग की पॉलिसीज, ये सब मैटर करता है, एडिक्वेट ट्रेनिंग है कि नहीं है, इंटरनल ऑडिटर को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का एप्लीकेबल FRF का नॉलेज है कि नहीं है, और कंप्लायंस प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का कंप्लायंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो दो चीज़ तो जो है एंटिटी ओरिएंटेड है कि भैया प्रॉपर एंटिटी के अंदर हायरिंग, असाइनमेंट और ट्रेनिंग पॉलिसीज है कि नहीं है, एंटिटी एडिक्वेट ट्रेनिंग दे रही है कि नहीं दे रही है, ये एंटिटी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एंटिटी ने अपॉइंट किया है। तीसरा अगर भैया इंटरनल ऑडिटर के रिस्पेक्ट में देखो कि क्या इंटरनल ऑडिटर को नॉलेज है क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का, ठीक है, अगर हम बात करें, और कंप्लायंस प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, तो क्या इंटरनल ऑडिटर को नॉलेज है क्या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का, इंटरनल ऑडिटर को क्या नॉलेज है कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का। तो अगर हम बात करें तो एंटिटी के रिस्पेक्ट में देखा कि भैया हायरिंग, असाइनमेंट, ट्रेनिंग पॉलिसीज क्या है एंटिटी की, ट्रेनिंग पॉलिसीज देखो, असाइनमेंट किस तरीके से असाइनमेंट करते हैं वो मैटर करता है। अगर प्रॉपर हायरिंग, असाइनमेंट, ट्रेनिंग नहीं होगा तो प्रॉपर हायरिंग पॉलिसीज ही नहीं है, किसी को भी उठा के अपॉइंट कर दोगे तो कैसे जो है हम ये बोल दें कि कॉम्पिटेंट है। हमें इधर अपन कॉम्पिटेंसी चेक कर रहे हैं, कैपेबिलिटीज कॉम्पिटेंसी चेक कर रहे हैं, वो कॉम्पिटेंसी चेक करने के लिए पॉलिसीज देखनी पड़ेगी। तगड़ी पॉलिसी है पर्सन जो है कॉम्पिटेंट है,
ट्रेनिंग पॉलिसीज देखो, साथ ही साथ इंटरनल ऑडिटर को देखो कि भैया देखो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का नॉलेज है क्या? अच्छा देखो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का नॉलेज है, अच्छा आप प्रोफेशनल स्टैंडर्ड भी कंप्लाई करते हो। तो ये सब चीज़ें जो है इंटरनल ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पॉइंट ये आता है कि सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, ठीक है। अब सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो एग्जिस्टेंस एडिक्वेसी एंड यूज ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोसीजर, ओके ओके। डॉक्यूमेंटेशन आपका समझ में आ जाएगा, आपके डॉक्यूमेंटेशन से समझ में आ जाएगा कि आप तुम पढ़ते हो, अच्छा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। तुम्हारी व्यवस्थित स्टडी टेबल से तुमको समझ में आ जाएगा, वैसे ही तुम्हारे डॉक्यूमेंटेशन से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हैविंग क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एप्रोप्रिएट QCPP क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस जो है फॉर इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने बात करी कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर, एग्जिस्टेंस ऑफ एप्रोप्रिएट क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर इंटरनल ऑडिट फंक्शन। द एग्जिस्टेंस ऑफ एप्रोप्रिएट क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, तो एग्जिस्टेंस होना चाहिए एप्रोप्रिएट क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन के रिस्पेक्ट में क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है तो जो है सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच जो है ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये सेटिस्फैक्ट्री अगर लगा कि यार जो भी आपने करा है ये सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, हम मुझे जो है आपने मैंने आपकी कॉम्पिटेंसी और ऑब्जेक्टिविटी कॉम्पिटेंसी और आपका अप्रोच देखा और मुझे सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है, तो अब मैं डिटरमाइन करूँगा नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क जो है, मैं डिटरमाइन करूँगा कि किस हद तक मैं आपका वर्क यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। सो तो किस हद तक मैं आपका जो है काम को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और सिंपल सी बात है, तो इफ़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन, तो डायरेक्ट असिस्टेंस भी ले सकते हैं, तो डायरेक्ट असिस्टेंस भी इंटरनल ऑडिटर का ले सकता हूँ। अलाउड फॉर बट नॉट अलाउड, ठीक है, कुछ चीज़ के लिए अलाउड है, किसी चीज़ के लिए नहीं अलाउड है। किस किस चीज़ के लिए अलाउड है? जैसे कि अलाउड है फिजिकल वेरीफिकेशन के रिस्पेक्ट में, कि मैं फिजिकल वेरीफिकेशन करवा सकता हूँ, ठीक है, ये इधर दिया हुआ है क्या, इधर दिया हुआ नहीं है, अलाउड फिजिकल वेरीफिकेशन। असेंबलिंग इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर एक्सटर्नल ऑडिटर, कि एक्सटर्नल ऑडिटर को असेंबल करनी है कुछ इन्फॉर्मेशन, उसको लग रहा है कि यार अपन इंटरनल ऑडिटर को ये नहीं बोल रहे कि तू एक्सप्रेस कर ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमको तो इन्फॉर्मेशन असेंबल कराने में मदद कर दे, ठीक है, असेंबलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि किस किस के लिए अलाउड है? फिजिकल वेरीफिकेशन, क्या फिजिकल वेरीफिकेशन करना है? असेंबलिंग इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर एक्सटर्नल ऑडिटर टू रिजॉल्व एक्सेप्शंस इन कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, यार कुछ कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट है, कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट के रिस्पेक्ट में जो है एक्सेप्शंस को रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो असेंबलिंग इन्फॉर्मेशन जो नेसेसरी है फॉर एक्सटर्नल ऑडिटर टू रिजॉल्व एक्सेप्शंस, कि वो कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट थी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट में ऐसे ही होता है ना कि जब एग्री होते हैं तभी रिवर्ट आता है, अदरवाइज रिवर्ट नहीं आता। तो रिजॉल्व एक्सेप्शंस इन कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ एजिंग ऑफ डेटर, चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ एजिंग ऑफ डेटर, डेटर एक ही एजिंग शेड्यूल बनाने का है प्लीज़ वो बना दे, मतलब कि छोटे मोटे लल्लू काम है। इवन इफ अकाउंट बैलेंस टर्म्ड एज हाई रिस्क एरियाज, और भले ही अकाउंट बैलेंस जो है हाई रिस्क एरियाज है, इवन इफ अकाउंट बैलेंस टर्म्ड एज, इवन इफ अकाउंट बैलेंस टर्म्ड एज हाई रिस्क एरियाज, पर मेरे को तो एजिंग शेड्यूल बनाने का है। अमाउंट भले ही अकाउंट बैलेंस, इवन इफ अकाउंट बैलेंस जो अकाउंट बैलेंस अमाउंट है वो टर्म डेज हाई रिस्क एरियाज, ठीक है, वो भले ही हाई रिस्क एरियाज हो, हाई रिस्क एरियाज के भी लल्लू काम करने हैं तो वो तो तू कर सकता है ना, तो तू उसकी हेल्प, ठीक है। और ये जो है फिर अपने कोई अलाउड नहीं होता, किस किस में अलाउड नहीं होता? एरियाज इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट जजमेंट, जब यार भाई सिंपल सी बात है, जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट होता है, जहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें कि जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, जहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ठीक है, तो एरियाज इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग जजमेंट और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा है, एरियाज ऑफ वर्क वेयर इंटरनल ऑडिटर इट्सेल्फ इन्वॉल्व, तो ऐसा काम है जहाँ पे इंटरनल ऑडिटर खुद ही इन्वॉल्व है, ठीक है, तो जहाँ पे इंटरनल ऑडिटर खुद ही इन्वॉल्व है तो उसको इवेल्युएट करने के लिए इंटरनल ऑडिटर की मदद लूँगा, तो वो तो अपने आप को सही बताएगा, ठीक है, तो वर्क वेयर इंटरनल ऑडिटर इज इन्वॉल्व, ठीक है। तो डिटरमाइनिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, और मुझे ये डिटरमाइन करना है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, तो अपने क्या पढ़ा, इंटरनल ऑडिटर जो है शुड नॉट बी यूज्ड टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस इन फॉर परफॉर्मिंग प्रोसीजर, जैसे कि सिग्निफिकेंट जजमेंट है, ठीक है। सिग्निफिकेंट जजमेंट में क्या आता है? असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अच्छा ये इधर इधर ऐसा लग रहा है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, अच्छा
रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ए, मतलब असेस करना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अच्छा इधर रिस्क है क्या, इधर रिस्क नहीं है क्या, ये असेसमेंट करना। इवेल्युएट सफिशियंसी ऑफ टेस्ट परफॉर्म, टेस्ट ऑफ डिटेल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये जो मैंने काम करा है क्या ये सफिशियंट है क्या, ये एविडेंस ऑप्टेन करी क्या सफिशियंट है, एविडेंसेस है क्या, क्या मैंने इतने टेस्ट ऑफ डिटेल्स करी क्या सफिशियंट है क्या, ये सब चीज़ें। इवेल्युएट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न असम्पशन, देखो अब ये सब चीज़ें इधर नहीं लिखी हुई है क्योंकि इसके एड्रेस देख रखा है, ये सब चीज़ें नीचे लिखी हुई है ठीक है। पर अगर हम बात करें तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग जजमेंट या रिलेटिंग टू हायर असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एरियाज, देखो अकाउंट बैलेंस एरियाज हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वो एरियाज हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ठीक है, हायर असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, पर उनके लल्लू काम तो कर सकते हैं ना, तो हायर असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एरियाज ठीक है। तो तीन तो एरियाज हो गए, एरियाज वेयर सिग्निफिकेंट जजमेंट इन बोर्ड, एरियाज जहाँ पे हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, एरियाज ऑफ इंटरनल ऑडिटर ठीक है, एरियाज ऑफ वर्क वेयर इंटरनल ऑडिटर खुद ही इन्वॉल्व है ठीक है। तो तीन तो एरियाज हो गए ठीक है, ठीक है तो एरियाज जहाँ पे हाई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग जजमेंट इन्वॉल्व है, तो एरियाज जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व है, दूसरा एरियाज जहाँ पे हाई रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व है, तीसरा एरियाज ऑफ वर्क वेयर इंटरनल ऑडिटर इटसेल्फ इन्वॉल्व, तो एरियाज ऑफ वर्क जहाँ पे इंटरनल ऑडिटर खुद ही इन्वॉल्व है ठीक है। अब ये हो गया हमारा, फिर डिटरमाइन नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर यूज बाय एक्सटर्नल ऑडिटर, तो डिटरमाइन करना नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर टू बी यूज बाय एक्सटर्नल ऑडिटर, अगर मेरे को समझ में आ गया है क्या तेरा काम एडिक्वेट है, क्योंकि मैंने कॉम्पिटेंसी ऑब्जेक्टिविटी एंड COA ठीक है अप्रोच मैंने देखी और मेरे को लग रहा है कि यार सेटिस्फैक्ट्री काम है, तो मेरे को डिटरमाइन करना है कि मेरे को आपका कितना वर्क यूज़ करना है, तो डिटरमाइनिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर यूज बाय एक्सटर्नल ऑडिटर एंड प्रोविजन बेस्ड ऑन एजिंग ऑन अकाउंट बैलेंस, देखो क्या लिखा है प्रोविजन बेस्ड ऑन एजिंग ऑफ अकाउंट बैलेंस, अकाउंट बैलेंस प्रोविजन बेस्ड ऑन एजिंग ऑफ अकाउंट बैलेंस, एजिंग लल्लू काम है, प्रोविजन उसके ऊपर बनाना ये इंपॉर्टेंट काम है, तो प्रोविजन बेस्ड ऑन एजिंग ऑफ अकाउंट बैलेंस ये भी इधर आता है ठीक है। यहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते, पर एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग जजमेंट क्या है जहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते ठीक है। तो जैसे कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इवेल्युएटिंग सफिशियंसी ऑफ टेस्ट, इवेल्युएटिंग मैनेजमेंट यूज मैनेजमेंट असेसमेंट, इवेल्युएटिंग मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न असम्पशन ठीक है ओके। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असेस करना, असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएटनेस ठीक है, असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएटनेस ठीक है ठीक है, तो असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जीसी असम्पशन ठीक है, गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएटनेस है कि नहीं है ठीक है, तो असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट गोइंग कंसर्न असम्पशन जो है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, सफिशियंसी ऑफ टेस्ट कि जो टेस्ट परफॉर्म करे हैं वो सफिशिएंट है कि नहीं है ठीक है, इवेल्युएट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट, अकाउंटिंग एस्टीमेट को इवेल्युएट करना, इवेल्युएट एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट, तो इवेल्युएट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट, इवेल्युएट एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट में जो तुमने डिस्क्लोजर करा है वो डिस्क्लोजर सही करा है कि नहीं करा है, इवेल्युएट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट, इवेल्युएट करना सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है ठीक है, तो असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएटनेस कि गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएटनेस जो है वो गोइंग कंसर्न एजम्पशन जो है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, सफिशियंसी ऑफ टेस्ट ठीक है जो टेस्ट परफॉर्म करे है वो सफिशियंट है कि नहीं है, अकाउंटिंग एस्टीमेट जो है इवेल्युएट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट जो है जब हमको इवेल्युएट करना रहता है कि अकाउंटिंग एस्टीमेट ये यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इवेल्युएट एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट। तो अगर हम बात करें तो देखो अगर हम देखें तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और गोइंग कंसर्न असम्पशन एक जगह आता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असेस करना है, असेसमेंट करना है, गोइंग कंसर्न ये शॉर्ट है ठीक है, सफिशियंसी ऑफ टेस्ट अकाउंट से ठीक है, अपन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, इवेल्युएट करना रिस्क ऑफ मटेरियल, असेसिंग करना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ठीक है, इवेल्युएट द सफिशियंसी ऑफ टेस्ट परफॉर्म, इवेल्युएट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न, अब मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न कि यार जो है मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न, इवेल्युएट करना मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न कि यार मैनेजमेंट का गोइंग कंसर्न एजम्पशन है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं,
तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असेस करना, सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट को असेस करना, गोइंग कंसर्न एजम्पशन को अप्रोप्रिएटनेस असेस करना, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट को इवेल्युएट करना, और एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर जो है इवेल्युएट करना। या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि असेसमेंट और इवेल्युएशन से लोगों को अलग कर लेते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और इवेल्युएट करना। क्या इवेल्युएट करना? गोइंग कंसर्न, सफिशियंसी ऑफ टेस्ट, फिर इवेल्युएट क्या करना है, गोइंग कंसर्न, सफिशियंसी ऑफ टेस्ट, डिस्क्लोजर, इवेल्युएट एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर, ठीक है, एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट, और इवेल्युएट जो करना है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट वो प्रॉपर है कि नहीं है। तो अपन इवेल्युएट करना है गोइंग कंसर्न अजम्पशन, टेस्ट, ठीक है, टेस्ट इवेल्युएट करना कि टेस्ट सफिशियंसी ऑफ टेस्ट, अच्छा टेस्ट हो गया, और तो ठीक है हम जी सी, ठीक है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन टेस्ट बोल सकते हैं। इवेल्युएट अकाउंटिंग एस्टिमेट तो वो है कि नहीं है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट इवेल्युएट करना जब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट है, तो गोइंग कंसर्न टेस्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट तो जी टी ए, ठीक है, और डिस्क्लोजर, ठीक है, तो ये सब हमको इवेल्युएट करना रहता है, ठीक है, सफिशियंसी ऑफ टेस्ट, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, फिर एक हमने जो है हाईलाइट करा था डिस्क्लोजर के रिस्पेक्ट में, और एक हमने हाईलाइट करा था अकाउंटिंग एस्टिमेट के रिस्पेक्ट में, तो उसकी सफिशियंसी हमको देखने की है, इवेल्युएट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट, ठीक है। अब इसमें जो है हम इंटरनल ऑडिटर की मदद नहीं ले सकते, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग जजमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एरियाज ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है, तो एरियाज ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जब इंटरनल ऑडिटर का ही हम वर्क इवेल्युएट कर रहे हैं, और डिटरमाइन करना कि किस एक्सटेंट तक जो है इंटरनल ऑडिटर के वर्क को मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये तीन चीज़ें जो है, तो इन चीज़ों में जो है ऑब्वियस ही बात है किसका काम तो आ ही नहीं सकता, एम प्रोविजन बेस्ड ऑन द एजिंग ऑफ अकाउंट बैलेंस, ठीक है। सो इस तरीके से जो है हमने ये समझा कि भैया कौन कौन से एरियाज में वर्क को यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से एरिया में वर्क को यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको जब हम लिखेंगे तो उससे और हमको क्लियर हो जाएगा। रही बात है कि यूज़ ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर की कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे इंटरनल ऑडिटर, ठीक है, ये तो फालतू का है, यूजिंग डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर टू डिटरमाइन वेदर इंटरनल ऑडिटर कैन बी यूज टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, डिटरमाइन वेदर इंटरनल ऑडिटर कैन बी यूज, क्या वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर यूज, क्या इंटरनल ऑडिटर को हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, नहीं अगर लॉ एंड रेगुलेशन बोले, और हाँ कर सकते हैं पर असिस्टेंस ले सकते हैं पर सिग्निफिकेंट थ्रेट नहीं होना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, और किसकी ऑब्जेक्टिविटी, इंटरनल ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी, और अगर इंटरनल ऑडिटर सफिशियंटली कॉम्पिटेंट है तो कोई थ्रेट नहीं है उसकी ऑब्जेक्टिविटी को, एक ठीक है आँच नहीं आने वाली है, और अगर ऑब्जेक्टिविटी कॉम्पिटेंट है तो आप उसके वर्क को यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से अपन ने इंटरनल ऑडिटर के रिस्पेक्ट में बात करी, ठीक है, फटाफट इसको हम जो है इसके रिस्पेक्ट में अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन कितने हैं, अराउंड क्वेश्चन को हम ये देखें तो डायरेक्ट असिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हमने बात करी है, ठीक है, डायरेक्ट असिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन था, और डायरेक्ट असिस्टेंस है इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर, वही नेगेटिव रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन था अगर हम देखें तो, एंड ठीक है, चेकिंग ऑफ एक्यूरेसी ये जो क्वेश्चन था, ओके ये MTB 19 में क्वेश्चन आया था, 610 पे क्वेश्चन तो अच्छे पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन तो हमने देख लिया था कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, सारे अपन ने ये भी मार्क कर लेते कि एग्ज़ाम में क्या क्या आया, क्या क्या नहीं आया है, कौन कौन से एग्ज़ाम में आया है, ये भी हमने देख लिया था, राइट। चलो अगर हम देखें लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी, चलो ठीक है ये भी हमने देख लिया था, बड़ा ही आंसर था ये तो, चलो अब दूसरा है क्वेश्चन, मई 18 न्यू कोर्स में आया था क्वेश्चन ये, अगर हम देखें तो इसमें डायरेक्ट असिस्टेंस के रिस्पेक्ट में था, तो ठीक है डायरेक्ट असिस्टेंस के रिस्पेक्ट में है, और प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल टेकिंग डायरेक्ट असिस्टेंस, ठीक है, तो प्रिकॉशन क्या है कि भैया किन किन एरियाज में आपको डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेना है, सिंपल सी बात है। और रही बात है तो मई 18 के न्यू कोर्स में आया है, ठीक है, तो मई 18 के न्यू कोर्स में आया है, ठीक है, तो मई 18 के न्यू कोर्स में आया है और हमने लिख लिया है, ठीक है फटाफट, और आरटीपी मई 20 में जो क्वेश्चन है, अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में है डायरेक्ट असिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन था, ठीक है, हमने हेडिंग देखी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग जजमेंट, ओके,
असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है ये तो हमने बात करी ही थी, साथ ही साथ जो है इवेल्युएट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट, ये भी जजमेंट में आते हैं, ठीक है। और जहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई है, एरियाज जो हमने बात करी थी जहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई है, पर इस पर प्रोविजन बनाने का है तो जो है वो इस पर अलाउड नहीं है, अदरवाइज यू तो अलाउड है। ये जो है पर्टिकुलर डायरेक्ट असिस्टेंस पे क्वेश्चन था, और डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर इन केस ऑफ एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर। अच्छा, तो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर में यही था ना कि असेंबलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर एक्सटर्नल ऑडिटर टू फाइंड आउट द टू रिजॉल्व द एक्सेप्शंस, ठीक है, टू रिजॉल्व द एक्सेप्शंस। ये एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट जो है ना, ठीक है, द असिस्टेंस में भी यूज इज असेंबलिंग इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर एक्सटर्नल ऑडिटर टू रिजॉल्व एक्सेप्शंस इन कन्फर्मेशन रिस्पॉन्सेज, ठीक है। तो नेगेटिव कन्फर्मेशन की जो भी रिस्पॉन्सेस है उसके एक्सेप्शंस को रिजॉल्व करने में ही इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्टेन करना एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट और इसके रिजॉल्व करना, ये नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर आप देखो तो विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिस्टर ए आस्क्स डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम द बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट एंड इवेल्युएशन ऑफ अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। नहीं, इसके लिए नहीं है, सिर्फ एक्सेप्शंस के लिए है, ठीक है। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट को थोड़ी ना जो है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर, ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर, ये नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें तो देखो सिंपल सी बात है, रिजॉल्विंग एक्सेप्शंस, ये है RTP 920 में कि एक्सेप्शंस रिजॉल्व करने में यूज होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस का बेस है, ठीक है। क्या डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हैं क्या, तो डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते तो वो तो हमने पढ़ा ही था, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी काटो। ओके, वही अकाउंटिंग एक्यूरेसी, वो जो हमने बात करी थी प्रोविजन के रिस्पेक्ट में था, उस तरीके से ऐसे 610 हमारा ओवर होता है, ठीक है। फिर बात यह है कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक्सटर्नल ऑडिटर की ही होगी, ठीक है। तो हम देखो सिंपल सी बात है, अगर हम छोटी मोटी चीज़ें समझने की हो तो हम ये देख सकते हैं कि किधर किधर जो है वो अलाउड होता है, ठीक है ना। असिस्टेंस अलाउड, तो फिजिकल वेरिफिकेशन में अलाउड होता है, ठीक है, ठीक है। फिर अपन ने बात करी थी कि वो रिजॉल्व करना है एक्सेप्शंस टू नेगेटिव रिक्वेस्ट कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। फिर बात आती है एक्यूरेसी ऑफ एजिंग शेड्यूल, तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर हम बोले तो एप करके, या अपन बोले कि पेज करके, कि फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है, और पेज एजिंग शेड्यूल एजी से, और एक्सेप्शंस टू कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। तो इस तरीके से जो है हमने निमोनिक बना दिया जिसमें हमने पेज एक्स देखा, ठीक है। तो पेज एक्स क्या है, ठीक है, पेज एक्स ये है कि फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में बाद में जो है हमने एजिंग शेड्यूल के बारे में बात करें कि जो है एजिंग शेड्यूल, करेक्टनेस ऑफ एक्यूरेसी ऑफ एजिंग शेड्यूल, और एक्सेप्शंस टू कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट कि भाई जो कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट है उसके एक्सेप्शंस को हमको रिजॉल्व करने का है, ठीक है, ये हमने बात करी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने इंटरनल ऑडिटर के रिस्पेक्ट में देखा, फिर बाकी जो है हमने इसके रिस्पेक्ट में जो है ये पर्टिकुलर चीज़ें कि इसको मटेरियल स्टेटमेंट के एरिया से दो तो इंटरनल ऑडिटर के ही है, ठीक है। तो तीन एरियाज हो गए, ठीक है, कि एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट जजमेंट, तो तीन एरियाज है, दो इंटरनल ऑडिट के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तीन एरियाज हो गए कि एरियाज ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट जहाँ पे ज़्यादा है। अब कुछ एक है कि प्रोविजन बेस्ड ऑन द एजिंग, तो प्रोविजन बनाने का है तो वो तो चलो ठीक है, एक नई चीज़ है, दो तो इंटरनल ऑडिटर की है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हमने इंटरनल ऑडिट के रिस्पेक्ट में ऐसे देख लिया, अब हम जो है फटाफट ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑडिट भी देख लेते हैं, राइट। चलो चलो भैया, मैनेजमेंट ऑपरेशनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट ये भी देख लेते हैं। अब सिंपल सी बात है भैया, मैनेजमेंट ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट में क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं वो भी देख लेते हैं। हमने वो तो हटा दिया, बट ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑडिट ऑपरेशनल ऑडिट के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है कि मैनेजमेंट ऑडिट जो है और ऑपरेशनल ऑडिट वो जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर है। पहला क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। तो देखो इस पे ही अगर अपन देखें तो मैनेजमेंट ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट के रिस्पेक्ट में ही क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट ऑडिट वर्सेज ऑपरेशनल ऑडिट, नवंबर 15 में पूछा है, देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट ऑडिट की, तो पहले डिफरेंस समझने से पहले अपन एक बार ये समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट ऑडिट क्या है। तो सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी, तो क्या है सबसे पहले सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी, तो एक अप्रेजल एक्टिविटी होती है, ठीक है।
अप्रेजल एक्टिविटी होती है, पर अप्रेजल एक्टिविटी भी सिस्टमेटिक और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि अप्रेजल एक्टिविटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट ऑडिट क्या है, अप्रेजल एक्टिविटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट एफिशिएंसी, कि यार देखो यार मैनेजमेंट एफिशिएंसी तो है, डिसीजन मेकिंग तो प्रॉपर करते हैं, ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग बढ़िया है और हम बोल सकते हैं डिसीजन मेकिंग की इफेक्टिवनेस। तो मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, कि अप्रेजल एक्टिविटी है, ठीक है, मैनेजमेंट ऑडिट क्या है, ऑडिट मैनेजमेंट ऑडिट है, अप्रेजल एक्टिविटी है और ठीक है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट एफिशिएंसी, और सिंपल सी बात है क्या मैनेजमेंट एफिशिएंसी को रिव्यू करने का है, ठीक, स्कोप क्या है। अब अगर हम देखें, ठीक है, स्कोप की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या है, इवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन एज टू लेइंग डाउन, इवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन एज टू लेइंग डाउन ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, तो जो मैनेजमेंट सिंपल से आते हैं मैनेजमेंट फंक्शन को इवेल्युएट करना, ठीक है, मैनेजमेंट फंक्शन को इवेल्युएट करना, तो ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑडिट क्या है, मैनेजमेंट का ही ऑडिट है, तो सिंपल से आते हैं मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रॉपरली कर रहे क्या, उसकी एफिशिएंसी चेक करना, उनके जो फंक्शंस है वो प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग वो प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैनेजमेंट डिसीजन जो है, जो फंक्शंस डिसीजन में इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, जो है इफिशेंसी होनी चाहिए ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन टू जज वेदर मैनेजमेंट इज डूइंग करेक्ट थिंग्स, मैनेजमेंट सही चीज़ें कर रही है और चीज़ों को सही तरीके से कर रही है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑडिट इस तरीके से ये बोला जाता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑडिट अगर हम बात करें तो एक अप्रेजल एक्टिविटी है, मैनेजमेंट ऑडिट की हम बात करें तो ये एक अप्रेजल एक्टिविटी है, अप्रेजल एक्टिविटी है जहाँ पे हम जो है रिव्यू करते हैं मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग की स्किल्स का, और मैनेजमेंट फंक्शंस प्रॉपरली तरीके से कर रही है कि नहीं कर रही है, तो ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है, इफेक्टिवनेस है कि नहीं डिसीजन मेकिंग में, मैनेजमेंट आर डूइंग राइट थिंग्स, और वेदर मैनेजमेंट जो है चीज़ों को करेक्ट सही और डूइंग थिंग्स करेती, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब रही बात आती है ऑपरेशनल ऑडिट की, तो ऑपरेशनल ऑडिट तो क्वालिटी ऑफ ऑपरेशंस में जाता है, वो मैनेजमेंट की वो डिसीजन ओरिएंटेड बात थोड़ी ना करता है, वो तो क्वालिटी ऑफ ऑपरेशंस में जाता है, ठीक है। तो वो जैसे कि इधर हम एफिशिएंसी देख रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, तो इधर ये है इवेल्युएटिंग द थ्री ईज इन ऑपरेशन, तो ये जो है इवेल्युएट करता है थ्री ईज इन ऑपरेशन, ठीक है। तो मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट, अब देखो मैनेजमेंट मैनेजमेंट लेवल पे बात करता है, अगर मैनेजमेंट को ही अगर ऑडिट अगर अपन ऑपरेशनल लेवल पे लगाया तो ये ऑपरेशन ऑडिट हो जाता है। तो मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑडिट आर टू आइडेंटिफाइबल एक्सरसाइजेस, ये एक दो आइडेंटिफाइबल एक्सरसाइजेस है बट ओवरलैपिंग एरियाज है, पर एरियाज इतने ओवरलैप करते हैं दैट इट विल बी कन्वीनियंट टू यूज एक्सप्रेशन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑडिट। तो ये कन्वीनियंट है कि अगर हम बोले मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑडिट, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट ऑडिट का स्कोप बड़ा है, इंक्लूड स्कोप ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट, तो इस तरीके से जो है मैनेजमेंट ऑडिट जो है हमारा ऑपरेशनल ऑडिट से बड़ा है, तो इसलिए मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट बोला जाता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू इच अदर है, ठीक है, ये भी अप्रेजल मेथड है, तो ठीक है ये तो सब नॉर्मल सा है क्वेश्चन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम पे है, इस पर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं है, राइट शॉर्ट ऑन मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चन आया है, नवंबर 18 के ओल्ड सिलेबस में मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चन आया के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आया था, ठीक है। और मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चन आयर के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आया था, क्या इसमें दिया हुआ है क्या चार्ट में, वन सेकेंड। सी अगर कोई बात करे कि मैनेजमेंट ऑडिट और ऑपरेशन ऑडिट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री है क्या, तो देखो मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशन ऑडिट आर कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री टू वन अनदर, मैनेजमेंट ऑडिट इज कंसर्न विद द क्वालिटी ऑफ मैनेजिंग, देखो मैनेजिंग क्वालिटी पर ध्यान देता है, क्वालिटी ऑफ मैनेजिंग जो हमने बात करी थी, वेयर एज जो है ऑपरेशन ऑडिट इज कंसर्न विद द क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन, बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू ऑडिट इज नॉट इन मेथड, ये मेथड तो सेम है बट इन द लेवल ऑफ अप्रेजल। मैनेजमेंट ऑडिट द ऑडिटर इवेल्युएट डिसीजंस, ठीक है, ऑडिटर जो है वन सेकेंड। तो अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें तो भाई जो है अप्रेजल की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन टू मेथड इज नॉट इन द डिफरेंस बिटवीन इज नॉट इन द मेथड इन द लेवल ऑफ अप्रेजल। मैनेजमेंट ऑडिट द ऑडिटर इवेल्युएट डिसीजन एट द लेवल ऑफ टॉप मैनेजमेंट, क्या बोल रहे हैं कि डिसीजन एट द लेवल ऑफ टॉप मैनेजमेंट। वेयर एज ऑपरेशन ऑडिट इवेल्युएट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस इफिशियंसी एंड इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन, तो ये ठीक है वो तो थ्री ईज देखता है, और मैं उधर टॉप लेवल मैनेजमेंट के डिसीजन देखता हूँ। तो इन एडिशन टू वॉट नॉर्मली बी कवर्ड इन एन ऑपरेशन ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट वुड ऑल्सो इनकम्पास द रिलेवेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एम ड्यूटीज एंड डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट। तो इन एडिशन जो ऑपरेशन ऑडिट में कवर है मैनेजमेंट ऑडिट में ऑल्सो इनकम्पास, मैनेजमेंट ऑडिट में और ये भी है कि इफेक्टिवनेस ऑफ एम ड्यूटीज एंड डिसीजन की, मैनेजमेंट की डिसीजंस वो सही तरीके से है कि नहीं है, मैनेजमेंट सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही, सिंपल सी बात,
डिसीजन सही ले रही कि नहीं ले रही, काम को सही तरीके से कर रही कि नहीं कर रही है। एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड बी इन कन्फर्मिटी विद द ऑब्जेक्ट सेट आउट इन कॉन्स्टिट्यूइंग डॉक्यूमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो भी है फंक्शंस, सिंपल सी बात है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो फंक्शंस है वो कॉन्स्टिट्यूइंग डॉक्यूमेंट से मैच होने चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हमने जो है मैनेजमेंट ऑडिट के रिस्पेक्ट में देखा। मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में तो क्वेश्चन आया भी नहीं है, इसको करने का कोई मतलब नहीं है। मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चन आया के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब इधर जो है मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चन आया तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो हम ये कर लेते हैं मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चन आया, ठीक है। अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चन आया इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर कंडक्टिंग द मैनेजमेंट ऑडिट। ये तो एक इम्पॉर्टेंट टूल है यार, जिसके थ्रू आप मैनेजमेंट ऑडिट कर सकते हैं। थ्रू दिस क्वेश्चन आयर ऑडिटर मेक इंक्वायरी इन टू द इम्पॉर्टेंट फैक्ट। देखो ऑडिटर है और क्वेश्चन आयर भेज के जो है वो करंट परफॉर्मेंस को जो है मेजर कर सकता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है क्वेश्चन आयर का, ठीक है, तो इधर ये बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव मतलब ये तो ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट क्वेश्चन आयर का, कैसा होना चाहिए मैनेजमेंट क्वेश्चन आयर। तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड इट असाइन टास्क। तो हमने क्या पढ़ा, सिंपल सी बात है, जो ऑडिटर है, ठीक है, ऑडिटर है तो ऑडिटर इंक्वायरी कर सकता है बेटर तरीके से क्वेश्चन आयर के थ्रू, ठीक है। तो ऑडिटर जो है इंक्वायरी करता है क्वेश्चन आयर की, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो मैनेजमेंट क्वेश्चन आयर की क्या बात है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड इट्स असाइन टास्क। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्या बोला है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चन आयर है कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन एंड कंस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड इट्स असाइन टास्क, ठीक है। अप्रेजल ऑफ मैनेजमेंट एक्शन इन अकम्पलिशिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन करना एंड कंस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन करना ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड इट्स असाइन टास्क, किस तरीके से वो टास्क को असाइन कर रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, क्या क्या करना है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड जिस तरीके से वो टास्क असाइन करते हैं दोनों को, ठीक है। तो क्या बोला है कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड असाइन टास्क। फिर कुछ बातें ऐसी है कि अप्रेजल ऑफ, क्या बोला है, अप्रेजल ऑफ मैनेजमेंट एक्शन इन अकम्पलिशिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, कि भैया ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, तो अप्रेजल ऑफ मैनेजमेंट एक्शन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि अप्रेजल ऑफ मैनेजमेंट एक्शन, ठीक है, इस क्वेश्चन आयर के थ्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वेश्चन आयर क्या है, मैं जो क्वेश्चन आयर भेज रहा हूँ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि मैं आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन कर सकूँ, साथ ही साथ अप्रेजल ऑफ मैनेजमेंट एक्शन इन अकम्पलिशिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मेरे को समझ में आए कि मैनेजमेंट एक्शन जो है इन लाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है कि नहीं है। फिर आती है बात कि हाईलाइट वीकनेस एंड डेफिशिएंसीज, बाकायदा हाईलाइट वीकनेस एंड डेफिशिएंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी है वीकनेस एंड डेफिशिएंसीज है वो हाईलाइट होगी। रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टिंग एंड जो है कंट्रोलिंग, तो रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस, ठीक है, तो हाईलाइट वीकनेस एंड डेफिशिएंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग, ठीक है। तो देखो रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आए के थ्रू हम रिव्यू करते हैं, ठीक है, रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। क्वेश्चन आए के थ्रू हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन आए के थ्रू जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, हाईलाइट करते हैं, क्या हाईलाइट करते हैं, वीकनेस हाईलाइट करते हैं, ठीक है, हम रिव्यू करते हैं मैनेजमेंट फंक्शन को, ठीक है, हम रिव्यू करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चन आयर क्या है, कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, में मैनेजमेंट के मैनेजमेंट जो टास्क देता है, ठीक है, उसका एग्जामिनेशन, ठीक है, मैनेजमेंट के जो एक्शंस है उसके एक्शंस जो है वो इन लाइन है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के, उसको देख लो, ठीक है। वीकनेस और डेफिशिएंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो है बाकायदा वीकनेस और डेफिशिएंसीज जो है वो भी क्वेश्चन आयर का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो हाईलाइट करे वीकनेस एंड डेफिशिएंसीज, ठीक है। तो क्या देखा हमने कि जो टास्क जो है असाइन टास्क, तो एग्जामिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड असाइन टास्क, तो एग्जामिनेशन ऑफ एन असाइन टास्क की जो है टास्क वो प्रॉपरली असाइन कर रहे कि नहीं कर रहे, तो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। और जो मैनेजमेंट के एक्शन है इज इन अकम्पलिशिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ठीक, और वीकनेसेस है जो वो बताने का, ठीक है,
रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन की जो है मैनेजमेंट के एक्शंस, ठीक है, मैनेजमेंट के फंक्शंस है उसको रिव्यू करना, ठीक है, ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इवेल्युएटिंग ऑफ इफेक्टिवनेस, इवेल्युएट करना इफेक्टिवनेस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो जो मैनेजमेंट के जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इवेल्युएट करना इन अकम्पलिशिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। देयर आर थ्री पॉसिबल आंसर्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चन, यस नो एंड ए। यस आंसर इंडिकेट दैट स्पेसिफिक एरिया और फंक्शन अंडर स्टडी इज फंक्शनिंग इन एन एक्सेप्टेबल मैनर, यस मतलब कि एक्सेप्टेबल मैनर में चल रहा है, नो मतलब कि ऐसे कैसे अगर एक्सेप्टेबल मैनर में नहीं चल रहा है तो रिटर्न एक्सप्लेनेशन नीडेड है, एंड नो आंसर इंडिकेट दैट अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस एंड रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन इन राइटिंग, दोज क्वेश्चंस दैट आर नॉट एप्लीकेबल इसको एन ए कॉलम में भर दिया जाएगा। और मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चन है नॉट ओनली अ मैनेजमेंट टूल टू एनालाइज द करंट सिचुएशन, ठीक है, ये एक्ट एज अ टूल, ठीक है, मैनेजमेंट ऑडिट अपन बोल सकते हैं टूल टू एनालाइज द करंट सिचुएशन, ठीक है, टूल टू असेस द परफॉर्मेंस, ठीक है, बट ऑल्सो इट इनेबल्स मैनेजमेंट ऑडिटर्स टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट आर कॉजिंग ऑर्गेनाइजेशन डिफिकल्टीज एंड डेफिशिएंसीज, वो इनेबल करता है मैनेजमेंट ऑडिटर को कि आइडेंटिफाई करना एलिमेंट जो कॉज कर रहा है ऑर्गेनाइजेशनल डिफिकल्टीज, ठीक है, हमको एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं जो कॉज कर रहे हैं डिफिकल्टीज। मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट के रिस्पेक्ट में तो कुछ भी नहीं पूछा है, समरी रिटर्न रिपोर्ट के रिस्पेक्ट में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, जनरल गाइडलाइंस ऑफ ड्राफ्टिंग मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट तो ये है जनरल गाइडलाइंस, इसके रिस्पेक्ट में भी ऐसा कुछ भी नहीं आया है। बिहेवियरल एस्पेक्ट है वो हम ठीक है नॉर्मल तरीके से हम जो है इसको कवर कर लेंगे। फिर ऑपरेशनल ऑडिट की बात आती है, ठीक है, ऑपरेशनल ऑडिट पे भी अगर हम क्वेश्चन देखें तो ऑपरेशनल ऑडिट को करने से पहले हम मैनेजमेंट ऑडिट के रिस्पेक्ट में है जो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम देखें यार कि मीनिंग एंड स्कोप पढ़ लिया था, अप्रेजल एक्टिविटी होता है, ठीक है, फिर अपन ने बात करी थी कि वो इवेल्युएट करता है, वो इवेल्युएट करता है मैनेजमेंट फंक्शंस को, ठीक है, वो इवेल्युएट करता है मैनेजमेंट फंक्शंस को, लेइंग डाउन पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो इवेल्युएट करता है मैनेजमेंट फंक्शंस को। मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑडिट के रिस्पेक्ट में अपन ने डिफरेंस बिटवीन भी पढ़ लिया था। फिर स्टेप ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट है, तो मैनेजमेंट ऑडिट की स्टेप ये है कि हम पहले ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं, हर एक ऑडिट का ऑडिट प्रोग्राम होता है, तो इसका भी ऑडिट प्रोग्राम होता है, मैनेजमेंट ऑडिट का भी ऑडिट प्रोग्राम होता है, ठीक है, फिर ऑडिट कंडक्ट भी होता है, ठीक है, और कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग भी होती है, बाकायदा इसका कंक्लूजन एंड इसकी रिपोर्टिंग भी होती है। ऑडिट का प्रोग्राम बनाए, ऑडिट को कंडक्ट किया, ऑडिट की रिपोर्टिंग हुई, ठीक है। अब जो है अगर हम देखें तो अब बिहेवियरल एस्पेक्ट है, मैनेजमेंट ऑडिट के बिहेवियरल एस्पेक्ट है, क्या बिहेवियरल एस्पेक्ट है, स्टाफ एंड लाइन कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि अब स्टाफ एंड लाइन कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग को इवेल्युएट कर रहा हूँ, सुपीरियरिटी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑडिटर, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन विद लाइन विद स्टाफ, तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसको, देखो एक तो गड़बड़ उसकी तरफ से है कि इसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अगर हम देखें तो भैया दो चीज़ें हैं, तो एक तो है कि मैनेजमेंट ऑडिटर को ही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और स्टाफ को ही जो है नॉन कोऑपरेशन है। अगर हम देखें तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और नॉन कोऑपरेशन विद स्टाफ है, क्या हुआ, तो ठीक है ये हमने देख लिया, तो मैनेजमेंट ऑडिटर के रिस्पेक्ट में मैनेजमेंट ऑडिटर जो है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है मैनेजमेंट ऑडिटर के रिस्पेक्ट में, कि ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है मैनेजमेंट ऑडिटर को, स्टाफ के रिस्पेक्ट में जो है ये दिक्कत है कि वो नॉन कोऑपरेशन है, ठीक है, स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट में ये दिक्कत है कि जो है नॉन कोऑपरेशन, स्टाफ की तरफ से जो है कोऑपरेशन ही नहीं है। रही बात आती है कंट्रोल की, कि एक फियर कि दैट एक्शन में बी टेकन बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट ऑडिट, एक फियर है कि जो है एक्शन ले लेंगे बेस्ड ऑन दी मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट, तो उनको अब एक फियर है कि एक्शन जो है ले लेंगे बेस्ड ऑन दी मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो कॉपरेट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक फियर है, फियर ऑफ टेकिंग एक्शन। अब बात यह है कि इसको सॉल्व कैसे करें, तो क्या बोल रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेट, हाँ अक्षय हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम जो है सॉल्यूशन, डेमोन्स्ट्रेट ऑडिट पर्पस एज प्रोटेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव, हम डेमोन्स्ट्रेट करो कि जो ऑडिट का पर्पस है ना वो प्रोटेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव है। मैनेजमेंट ऑडिट कर रहे हैं हम तो पर्पस प्रोटेक्टिव ऑडिट है, प्रोटेक्टिव कर रहे हैं तुमको, ऐसा नहीं कि तुम्हारे पे एलिगेशन लगा देंगे और ये बोल देंगे कि भैया कैसा काम कर रहे हो तुम, ठीक है, तो प्रोटेक्टिव ऑडिट है, ठीक है, ये एक मैनेजरियल टूल है, ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये तुम्हारा ऑडिट है, ये प्रोटेक्टिव ऑडिट है, ये एक मैनेजरियल टूल है, इंश्योर मिनिमम इंटरफेरेंस विद रेगुलर ऑपरेशन, नो इंटरफेरेंस या मिनिमम इंटरफेरेंस रहेगा तुम्हारे रेगुलर ऑपरेशन में, और इंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन,
इंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ रिजर्व रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड क्रिएट एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट। किस तरीके से जो है आप सॉल्यूशन, किस तरीके से जो है मैनेजमेंट ऑडिट और ऑपरेशन ऑडिट के रिस्पेक्ट में आप जगह बना सकते हो, सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट करना कि ये प्रोटेक्टिव ऑडिट है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले बताया कि डेमोन्स्ट्रेट करो कि ये जो प्रोटेक्टिव ऑडिट है कंस्ट्रक्टिव ऑडिट है। ठीक है, फिर आप बोलो कि भैया ये जो है मैनेजरियल टूल है, ये ऐसा थोड़ी ना है कि तुम इसे डरो, ये एक मैनेजरियल टूल है फॉर डिसीजन मेकिंग, नो इंटरफेरेंस। ठीक है, कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा तुम्हारे रेगुलर ऑब्जर्वेशन में, कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। साथ ही साथ जो है एक आपको जो है साथ ही साथ जो है आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन इंश्योर करना पड़ेगा कि लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो पहले जो तीन है वो तीन पॉइंट जो है समझाने वाले पॉइंट है कि देखो समझाओ कि भैया प्रोटेक्टिव ऑडिट है, समझाओ कि मैनेजरियल टूल है, समझाओ कि यार कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा तुम्हारे काम में, तुम अपना काम करते रहना, हम तो एक प्रोटेक्टिव ऑडिट है, तुम्हारे ही डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल है, तो कोई इंटरफेरेंस थोड़ी ना होगा। और चौथा पांचवा ऐसा है कि तुमको खुद को इंश्योर करना है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन रहे और एक ट्रस्ट का माहौल बना रहे। ठीक है, एक एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट बना रहे। तो ये है अपना मैनेजरियल ऑपरेशन ऑडिट में, ये बिहेवियरल आस्पेक्ट है। रिपोर्ट्स की बात करें तो ओरल रिपोर्ट इमरजेंसी के केस में, इंटरिम रिपोर्ट की बात करें तो जब अर्ली कंसिलेशन है, ठीक है, मैटर रिक्वायरिंग अर्ली कंसिलेशन, कुछ मैटर है जिस पर अर्ली रिपोर्टिंग होना जरूरी है, इंटरिम रिपोर्ट। फॉर्मल रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क, तो ये अपनी रेगुलर रिपोर्ट है। समराइज इंडिविजुअल रिपोर्ट ऑन इंटीग्रेटेड अप्रोच, देखो जो हम फॉर्मल रिपोर्ट दे रहे हैं तो समराइज इंडिविजुअल रिपोर्ट ऑन इंटीग्रेटेड अप्रोच, कि हमने जितनी भी रिपोर्ट दी समराइज करना इंडिविजुअल रिपोर्ट को, हर रिपोर्ट को समराइज करना ऑन एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, तो जितनी भी रिपोर्ट दी है उसको समराइज कर देना। तो हमने क्या समझ लिया कि मैनेजमेंट एक्टिविटी एक इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी होती है। हम समझ चुके हैं कि मैनेजमेंट एक्टिविटी जो है इंडिपेंडेंट एक अप्रेजल एक्टिविटी होती है। सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट के फंक्शंस, मैनेजमेंट के असाइंड टास्क जो है वो इफेक्टिव है कि नहीं है, मैनेजमेंट के जो है मैनेजमेंट की जो है डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं। क्या हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट का जो है अप्रेजल एक्टिविटी या मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, ठीक है, मैनेजमेंट एफिशिएंसी है कि नहीं है, तो क्वालिटी ऑफ मैनेजिंग, ये सब हम चीज़ें देखते हैं। ठीक है, यही क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन ऑडिट देखता है। उधर थ्री ईज के बारे में बात होती है, इधर टॉप लेवल मैनेजमेंट के डिसीजन के रिस्पेक्ट में बात होती है। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन आयर ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चन आयर बनाया, और मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चन आयर है तो इसमें भी जो है हम एक चीज़ समझे है कि मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चन आयर में भी हम ये चीज़ समझे है कि क्वेश्चन आयर को भी कुछ ऑब्जेक्टिव है। तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चन आयर, हम क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन आयर में मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछेंगे, भैया हम क्वेश्चन पूछेंगे और समझेंगे भी करंट परफॉर्मेंस क्या है मैनेजमेंट का। ठीक है, तो एक तरीके से ये एक एग्जामिनेशन जो है ना वो कॉम्प्रीहेंसिव एग्जामिनेशन है और अब से कंस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो मेरे को तो सिर्फ क्वेश्चन आयर से इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कॉम्प्रीहेंसिव और कंस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन करें मैनेजमेंट का, और मैनेजमेंट ने जो है टास्क दिए है। रही बात है दूसरी कि अप्रेजल ऑफ मैनेजमेंट एक्शन, कि जो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें मैनेजमेंट के एक्शंस, ठीक है, एक्शंस इन लाइन है कि नहीं है, मैनेजमेंट के जो टास्क है, टास्क जो है असाइन टास्क वो प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है, वीकनेसेस, तो वो जो वीकनेसेस है वो हाईलाइट करना एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, क्योंकि जो है वीकनेसेस है वो हाईलाइट कर दे। ठीक है, और मैनेजमेंट के फंक्शंस, ठीक है, मैनेजमेंट फंक्शंस इन पॉट्स का प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टिंग, ठीक है, तो मैनेजमेंट के फंक्शंस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, ठीक है, तो ये सब जो है अपना रिव्यू करना। ठीक है, इवेल्युएट करना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इवेल्युएट करना, तो ये मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट मतलब कि मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्वेश्चन आयर के थ्रू जो है फुलफिल हो जाएगा। फिर अपन ने बात करी थी कि अगर हम देखें तो यस है, नो है, एन ए है। ठीक है, अगर नो दे रहे हो तो एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस नहीं है तो रिटर्न एक्सप्लेनेशन लगेगा, ये अपन ने बात करी थी मैनेजमेंट ऑडिट के रिस्पेक्ट में। अब बात कर रहे हैं हम ऑपरेशनल ऑडिट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, पहले ऑपरेशनल ऑडिट के रिस्पेक्ट में हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर अपन इस पर जो है क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अगर हम ऑपरेशनल ऑडिट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले समझो कि मीनिंग एंड टाइप एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, रिव्यू एंड अप्रेजल ऑफ ऑपरेशन,
इधर जो है अप्रेजल ऑफ ऑपरेशन से अप्रेजल ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। अप्रेजल ऑफ क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ये सब अप्रेजल नहीं है, ठीक है। तो रिव्यू एंड अप्रेजल ऑफ ऑपरेशन कंडक्टेड बाय इनकॉम्पिटेंट इंडिपेंडेंट पर्सन, इंडिपेंडेंट पर्सन। तो अप्रेजल ऑफ ऑपरेशन से टाइप्स टाइप्स अगर आप देखें ऑपरेशन ऑडिट, तो फंक्शनल ऑडिट है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट है और स्पेशल असाइनमेंट है। तो फंक्शनल ऑडिट क्या होता है, देखो ऑपरेशन ऑडिट मतलब डे टू डे की बात करें, फंक्शनल ऑडिट डील विथ वन और मोर फंक्शंस। तो जो फंक्शनल ऑडिट है वो एक या एक से ज़्यादा फंक्शन से डील करता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट है वो डील विथ इंटायर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। तो फंक्शनल ऑडिट जो है वो डिकोडेड होता है, या अपन बोले कि फंक्शनल ऑडिट बेस लेवल पे काम करता है। फंक्शनल ऑडिट डील विद वन और मोर फंक्शंस। अगर हम बात करें फंक्शंस ऑडिट की, तो फंक्शंस ऑडिट डील्स विद वन और मोर फंक्शन। तो फंक्शन ऑडिट की बात करें तो फंक्शन ऑडिट डील विद वन और मोर फंक्शंस, ठीक है। तो वो फंक्शंस के बारे में बात करें। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो भैया अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनाइजेशन, इंटायर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। फंक्शनल ऑडिट जो है वन और मोर फंक्शंस की बात कर रहा है। और स्पेशल तो और सबसे बड़ा वाला है वो तो रिक्वेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट पे ऑडिट होता है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। और ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव क्या है ऑपरेशनल ऑडिट का, अप्रेजल ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इधर अप्रेजल ऑफ कंट्रोल है, उधर अप्रेजल ऑफ क्या था, मैनेजरियल एक्टिविटी, ठीक है, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। अप्रेजल ऑफ कंट्रोल, इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस डे टू डे, अप्रेजल ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लान, अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो क्या बोल रहे हैं, अप्रेजल ऑफ कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव प्लान, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो हमको इस सबका अप्रेजल करना है, ठीक है। तो अप्रेजल ऑफ कंट्रोल, ठीक है, अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्टिव प्लान, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो तीन अप्रेजल है, ठीक है। ये अपन बोल सकते हैं कि कोपो बोल देते हैं, ठीक है, सी ओ पी ओ, ठीक है। तो अप्रेजल ऑफ कंट्रोल्स है, अप्रेजल ऑफ जो है ऑर्गेनाइजेशनल प्लान से, अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस है, अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। तो कोपोर्ग बोल सकते हैं या जो भी है, ठीक है। तो कंट्रोल्ड है, ऑब्जेक्टिव अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लान है, अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस है, ठीक है, इवेल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस है, ठीक है, ये होगी बात। तो अब अगर बात आई, ठीक है, तो नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट, ठीक है। अब नीड फॉर ऑपरेशन ऑडिट की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो अब कॉपो के अगर हम देखें तो अप्रेजल ऑफ कंट्रोल है, अप्रेजल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स है, एंड अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, ठीक है, ठीक है। तो या तो अपन बोल सकते हैं कॉपर, सी ओ पी पी, ठीक है, कॉपर, कॉपर बोल सकते हैं। तो कॉपर कैसे, अप्रेजल ऑफ कंट्रोल, अप्रेजल ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड प्लान्स, ठीक है, अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस। तो अपन ने क्या देखा, अप्रेजल ऑफ कंट्रोल, इवेल्युएशन, ठीक है, अप्रेजल ऑफ कंट्रोल, अप्रेजल ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड प्लान्स, अप्रेजल जो है ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, और ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, तो अप्रेजल ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड प्लान्स एंड अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये हमने बात करी। तब नीड फॉर ऑपरेशनल ऑडिट, ठीक है, हमको ऑपरेशन ऑडिट की नीड है, क्यों हमको ऑपरेशन ऑडिट की क्यों नीड है, ठीक है। तो मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट फॉर द इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एरियाज बियॉन्ड द डायरेक्ट सुपरविजन, और मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट फॉर द इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एरियाज बियॉन्ड द डायरेक्ट सुपरविजन। अब समझो, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है फॉर द इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एरियाज, मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो एरियाज के रिस्पेक्ट में जो डायरेक्ट सुपरविजन के तो बिल्कुल ही बाहर है, जो डायरेक्ट सुपरविजन के बिल्कुल भी बाहर है उस रिस्पेक्ट में मैनेजमेंट को जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है। पर जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देते, ठीक है। अब वो मेरे सुपरविजन के बाहर है, बाहर क्या काम हो रहा है मेरे को नहीं पता, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, और ट्रेडिशनल चीज़ों से जो है मैं ऑपरेशन ऑडिट कर नहीं पाऊंगा, मेरे को बाहर की जानकारी नहीं मिलती है। तो ऑपरेशन ऑडिट फिर इनएक्सपेंसिव और कंटिन्यूस एंड अप्रेजल ऑफ एक्टिविटीज़ है, ऑपरेशंस एंड कंट्रोल्स टू इन्फॉर्म द मैनेजमेंट अबाउट अचीवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड एंड द एक्सेप्शंस, ऑपरेशंस एंड कंट्रोल्स टू इन्फॉर्म द मैनेजमेंट अबाउट द अचीवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड एंड द एक्सेप्शंस, ठीक है। तो ऑपरेशनल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट की अगर हम बात करें, जिस पे ही क्वेश्चन था, तो ऑपरेशनल ऑडिट की जो अगर बात करें, इसके पहले हम नीड वापस समझ लेते हैं कि, ठीक है, सिंपल से बात है, अगर हम समझे तो
मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट फॉर इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एरियाज, तो मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए एरियाज बियॉन्ड द डायरेक्ट सुपरविजन, ठीक है, एरियाज बियॉन्ड द डायरेक्ट सुपरविजन। अब ट्रेडिशनल सोर्सेज जो है प्रोवाइड नहीं करेंगे इन्फॉर्मेशन, तो ये इनएक्सपेंसिव, ठीक है, तो इनएक्सपेंसिव कंटिन्यूस, इनएक्सपेंसिव कंटिन्यूस एंड ऑब्जेक्टिव अप्रेजल ऑफ एक्टिविटीज है, ठीक है, ओके। सो बियॉन्ड एरियाज जो बियॉन्ड द डायरेक्ट सुपरविजन है, तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो ऑपरेशनल ऑडिट ही जो है वो मदद कर सकता है। तो ये इनएक्सपेंसिव होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं एंड ऑब्जेक्टिव अप्रेजल ऑफ एक्टिविटीज है। ऑपरेशन एंड कंट्रोल टू इन्फॉर्म द मैनेजमेंट अबाउट अचीवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, तो ऑपरेशंस एंड कंट्रोल्स टू इन्फॉर्म द मैनेजमेंट, ऑपरेशंस एंड कंट्रोल्स टू इन्फॉर्म द मैनेजमेंट अबाउट अचीवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड एंड द एक्सेप्शंस। तो ऑपरेशंस एंड कंट्रोल्स टू इन्फॉर्म द मैनेजमेंट, ये जो ऑपरेशंस एंड कंट्रोल्स है टू इन्फॉर्म द मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये जो है ऑपरेशन ऑडिट, ये कैसे ही ऑपरेशंस और कंट्रोल्स है जो मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, तो ऑपरेशन ऑडिट जो है इन एक्सपेंसिव कंटिन्यूस एंड अप्रेजल एक्टिविटीज़ है, कंटिन्यूस एंड ऑब्जेक्टिव अप्रेजल एक्टिविटीज़ है, ऑपरेशन एंड कंट्रोल्स टू इन्फॉर्म द मैनेजमेंट, ये जो ऑपरेशन ऑडिट जो है जो इन्फॉर्म करते हैं मैनेजमेंट को अबाउट द अचीवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, या स्टैंडर्ड्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, प्रॉपर तरीके से वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब तो फिर ऑपरेशन ऑडिट और इंटरनल ऑडिट में फ़र्क क्या है? अब ऑपरेशन ऑडिट जो है वो रिव्यू एंड अप्रेजल ऑफ ऑपरेशन करते हैं, रिव्यू एंड अप्रेजल ऑफ ऑपरेशन, ये जो है ये तो ये चेक करते हैं कि जो कंट्रोल्स है वो कंट्रोल्स क्या वेल डिज़ाइंड है, क्या वेल प्लेस है। तो रिव्यू एंड अप्रेजल ऑफ ऑपरेशन है वो ये देखते हैं कि कंट्रोल क्या वेल डिज़ाइन है, इन प्लेस है। ये इंटरनल कंट्रोल का पार्ट नहीं है, पर इंटरनल ऑडिट जो है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का पार्ट होते हैं, ऑपरेशनल ऑडिट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का पार्ट नहीं होते। इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव फंक्शन, ये कंस्ट्रक्टिव फंक्शन है टू प्रोवाइड सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, ये एक कंस्ट्रक्टिव फंक्शन है। तो ये एक जो है कंस्ट्रक्टिव फंक्शन है, अगर ऑपरेशन ऑडिट देखे तो एक कंस्ट्रक्टिव फंक्शन है जहाँ पे आपको सजेशंस भी देंगे इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो समझो ऑपरेशनल ऑडिट क्या होते हैं, ऑपरेशनल ऑडिट तो क्या कर रहा है, वो आपके ऑपरेशंस को देख रहा है, अच्छा वो आपके ऑपरेशंस को देख रहा है, और वो आपके ऑपरेशंस को देख रहा है, पर ये इंटरनल ऑडिट का पार्ट नहीं है। हमको तो ये देखना है कि ऑपरेशंस प्रॉपर तरीके से हो रहे कि नहीं हो रहे डे टू डे, और जो है अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करने का हो तो हम आपको सजेशंस भी देंगे। इट एनालाइज ऑल एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन, ये एनालाइज करता है सारे एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन, वेदर दे आर इन ट्यून विद द मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड गोल्स, वो देखता है कि जो ऑपरेशंस है क्या आर इन ट्यून विद द मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड गोल्स। अब रही बात, इट मेनली डील विद द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या समझे, देखो अब देखो पहली चीज़ ये समझे कि ये रिव्यू करता है ऑपरेशंस का, ठीक है। दूसरी चीज़ ये समझे कि ये इंटरनल कंट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये समझे कि ये एक कंस्ट्रक्टिव है, ठीक है। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव फंक्शन है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव फंक्शन है। और चौथी चीज़ ये है कि ये चेक करना कि ऑपरेशंस वेदर दे आर इन ट्यून विद द मैनेजमेंट पॉलिसीज, कि जो ऑपरेशन है वो क्या मैनेजमेंट पॉलिसीज से ट्यून है, मैनेजमेंट पॉलिसीज से जो है ट्यून है कि नहीं है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम देखें इसको इधर तो कट कर देते हैं, तो दे आर कंसर्न विद द रिव्यू एंड अप्रेजल ऑफ ऑपरेशन, यार जो है बकायदा जो ऑपरेशन है तो उसका रिव्यू एंड अप्रेजल ऑफ ऑपरेशन, इसका रिव्यू एंड अप्रेजल भेजते हैं। ये इंटरनल कंट्रोल नहीं है, वो तो रिव्यू एंड अप्रेजल भेजते हैं, और फिर जो है आप सजेशन दो कि किस तरीके से आप जो है इन्हें जो है किस तरीके से कर सकते हैं, और एनालाइज करते हैं कि सारे एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है, सजेशन भी देते हैं, और मेक द ऑपरेशंस इन ड्यू ट्यून विद द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, ठीक है। और ये जो है ऑपरेशन ऑडिट है, तो सिंपल सी बात है ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की तरफ जो है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की तरफ ध्यान देते हैं अगर हम बात करते। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ शिवम से कि शिवम क्या कर रहा है? कि शिवम बोलेगा कि नहीं नहीं भैया क्यों पूछ लिया, वैसे क्या कर रहा है अभी? ऑपरेशनल, हाँ हाँ कर ले कर ले।
इंटरनल कंट्रोल नहीं ऑपरेशन, इंटरनल कंट्रोल नहीं ऑपरेशन, इडली सांभर। तो मादर तो बहुत ठीक है, अब मैं क्या करूँ हम लैंड ऑडिट, ऑडिट के टाइम पे अब तो इडली सांभर की बात करवा रहा है मैं से। तेरी गान फाड़ दूंगा मैं, तेरे पास मान चुका तेरी। तो इधर अगर हम बात करें, ठीक है, सो इधर अगर हम बात करें तो ऑपरेशनल ऑडिट की जो ऑपरेशनल ऑडिट है ये, सॉरी, तो इधर अगर हम बात करें तो ऑपरेशनल ऑडिट के रिस्पेक्ट में कि ऑपरेशनल ऑडिट ये इंटरनल कंट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ये ऑपरेशंस के रिव्यू एंड अप्रेजल बताता है, और बाद में फिर आप सजेशन एंड कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है, आप अपने सजेशंस दे सकते हैं। ले देकर यह है कि ऑपरेशंस चेक करना इन ट्यून विद द मैनेजमेंट पॉलिसीज है कि नहीं है, और ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। इंटरनल कंट्रोल का तो सिर्फ ये काम है कि क्या कंट्रोल आर वेल डिज़ाइन इन प्लेस, क्या कंट्रोल वेल तरीके से डिज़ाइन है कि नहीं है, ठीक है। तो कंट्रोल्स जो है वेल तरीके से डिज़ाइन है कि नहीं है, वो ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में आता है इंटरनल ऑडिटिंग, ये एक कंस्ट्रक्टिव फंक्शन जैसे ज़रा बोलते हैं, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है। इट इज़ प्राइमरी कंसर्न विद द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल, ये कंसर्न होता है डे टू डे ऑपरेशन से नहीं कंसर्न होता है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल से होता है। तो अगर हम बात करें तो ऑपरेशन ऑडिट में जैसा कि हमने पढ़ा था कि इंटरनल कंट्रोल नहीं होता है, तो ये इंटरनल ऑडिट में इंटरनल कंट्रोल ये होता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है। ऑपरेशन ऑडिट में हम ऑपरेशंस का रिव्यू एंड अप्रेजल करते हैं, ये तो सिर्फ ये जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल के रिस्पेक्ट में बात करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, ये उससे ही कंसर्न होता है, वो ऑपरेशन से कंसर्न नहीं होता है। और रही बात है कि इसका रिव्यू एंड अप्रेजल होता है, तो ये तो ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल आर वेल डिजाइन एज पर द प्लेस, ये है प्रोटेक्टिव फंक्शंस है, और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की तरफ ये फोकस करते हैं। रही बात है ऑपरेशनल ऑडिट और फाइनेंशियल ऑडिट की, तो जो फाइनेंशियल ऑडिट है वो तो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन पर ऑडिट होता है, वो तो इधर ऑपरेशंस का ऑडिट होता है, और रिस्ट्रिक्टेड टू मैटर्स डायरेक्टली अफेक्टिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये तो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है उन मैटर्स की तरफ जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है, जो वो मैटर जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है उधर ही जाना, ठीक है। ये तो सारी एक्टिविटीज़ जो ऑपरेशंस को अफेक्ट करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो उनकी तरफ ये फोकस करता है। रिपोर्टिंग इधर स्टेक होल्डर को जाती है, इधर मैनेजमेंट को होल्डिंग जाती है, और उसका एंड टास्क है ये है, ठीक है, कि रिपोर्ट द फाइंडिंग्स टू द पर्सन। इसका एंड टास्क सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं होता है, इसमें कंस्ट्रक्टिव सजेशंस भी देते हैं, ठीक है। ऑपरेशनल ऑडिट जो है रिपोर्टिंग करना मकसद नहीं, सिंपल सी बात है, रिपोर्टिंग करना इज़ नॉट माई मकसद। सो इस तरीके से जो है हमने जो है बाकायदा जो है हमने फाइनेंशियल ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट के रिस्पेक्ट में डिफरेंस पड़ा, और कायदे से जो है यही देखा जाता है, इतना कुछ इस पर खास क्वेश्चन वेशन भी नहीं है, वो यही सब चीज़ें हैं जिसको हमको ध्यान रखने का है, ठीक है। तो हमने जो बात कर दी फाइनेंशियल ऑडिट में कि वो हिस्टोरिकल, ठीक है, इसको हम यह सब बोल सकते हैं कि पेयर की पी से है पर्पस, ठीक है। तो पर्पस ये है कि हिस्टोरिकल जो है इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड वो करेक्ट रिकॉर्डेड है कि नहीं है, पर्पस। ऑपरेशन ऑडिट की बात करें कि वो और जो है एरियाज जो है, अगर इधर ऑपरेशन ऑडिट की बात करें कि वो इम्फेसाइज ऑन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, कि वो इम्फेसाइज करता है कि वो इम्फेसाइज ये करता है कि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। एरियाज की बात करें तो पेयर जैसे हमने बात करी थी पी से है, या तो पेयर की जगह हम बोल देते हैं एरिया, नहीं नहीं अरे 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 पर, अरे पर, तो ए से क्या है, अरे से तो अमन एरिया भी निकाल सकते हैं कि एरिया कि रिस्ट्रिक्टेड टू मैटर डायरेक्टली रिलेटिंग टू अप्रोप्रिएट, मतलब कि वो मैटर जो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो एरिया से,
ऑपरेशनल ऑडिट में जो एरियाज होते हैं वो सारी एक्टिविटीज कवर करते हैं डेटा रिलेटिंग टू एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, वो सारे एरियाज कवर करते हैं, ठीक है। तो एरियाज है जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, वो एरियाज ऑपरेशनल फाइनेंशियल ऑडिट में है, और वो जो एरियाज जो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को अफेक्ट करते हैं वो एरियाज इधर कवर है, ठीक है। पर्पस तो अरे तो रिपोर्टिंग, तो फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट सेंड टू स्टेक होल्डर, ये स्टेक होल्डर को सेंड होती है। और ऑपरेशनल ऑडिट जो है प्राइमरीली फॉर मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट रिपोर्ट तो प्राइमरीली मैनेजमेंट के लिए होती है। अरे तो ठीक है, अरे से रिपोर्टिंग होगी, तो रिपोर्टिंग स्टेक होल्डर। एंड टास्क क्या है, ठीक है बस रिपोर्टिंग करना, पर इधर लिमिटेड टू रिपोर्टिंग नहीं है, इट्स नॉट लिमिटेड टू रिपोर्टिंग बट सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑल्सो। ये जो है बाकायदा इम्प्रूवमेंट के रिस्पेक्ट में सजेशन भी देती है कि किस तरीके से जो है हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और पर्पस की बात करें तो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड है वो सही रिकॉर्ड है कि नहीं है, और क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशंस की बात करें कि इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस, ये सब हमने बात करी, ठीक है। तो ये है, हमने ऑपरेशन ऑडिट कंप्लीट किया है। अब जो है, अब हमने ऑपरेशन ऑडिट ख़त्म करके अब जो है हम जो है देखा जाए तो पीयर रिव्यू हमने कर लिया है, राइट। स्पेशल ऑडिट असाइनमेंट हमको करने के नहीं है। बैंक ऑडिट देख लेते, तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।